भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ भले ही हार गए हैं तो क्या, लेकिन वो न्यूज़ में इस तरह छाए हुए हैं कि पूछिए ही मत। जी हां, रवि किशन जीत चुके हैं, मनोज तिवारी जीत चुके हैं, लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ को हाथ लगी है हार। और अचानक से दिनेश लाल यादव निरहुआ अपनी इस हार का गम भुलाने के लिए कहीं चले गए हैं। जी हाँ, वो कहाँ चले गए हैं इसकी जानकारी उन्होंने किसी को न दी, लेकिन धीरे धीरे ही सही सभी के सामने ये बात आ गई है कि निरहुआ कहीं और नहीं बल्कि अपने पैतृक गांव गाजीपुर गए हैं। जी हाँ, गाजीपुर में उनकी माँ है, जहाँ वो दो दिन अपनी थकान मिटाएंगे, क्योंकि लगातार चुनावी प्रचार और लगातार मीटिंग के कारण वो इतने थक गए हैं कि वो अपना मोबाइल फोन तक नहीं उठा रहे हैं, स्विच ऑफ करके उसको साइड में रख दिया है और निरहुआ चले गए हैं अपने गांव गाजीपुर में अपने माताजी के साथ समय बिताने के लिए। हाँ, फिर उसके बाद वो दो दिन वहां रहने के बाद 26 तारीख को मुंबई वापस लौटेंगे और फिर से शुरू होगा उनके फिल्मों का दौर। जी हाँ, लगभग 2 महीने से निरहुआ अपनी कोई शूटिंग नहीं कर रहे थे और अब स्टार्ट करेंगे अपनी बाकी बची सारी फिल्मों की शूटिंग कम्प्लीट करेंगे और फिर वो अपनी फैमिली के साथ टाइम भी तो बिताएंगे। भाई, काफ़ी दिनों से वो अपने बच्चों से, बीवी से, सभी से दूर है और ख़ासकर अपनी छोटी बेटी अदिति से। जी हाँ, प्रवेश लाल यादव की बेटी अदिति दिनेश लाल यादव निरहुआ के यानी कि उनके बड़े पापा के आँख का तारा है और उनसे भी वो काफ़ी दिनों से नहीं मिले हैं, तो अपने सभी परिवार के साथ भी निरहुआ टाइम स्पेंड करेंगे, फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट पढ़ेंगे और एल्बम और फिर फिल्मों की तैयारी भी शुरू करेंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।